वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक ऐसी खबर के साथ में जो आजकल बड़ी ढूंढी जा रही थी, क्योंकि एक्सिस बैंक के बीसी को लेकर के वीएलई भाई लोग बड़ा परेशान है, और ये उन सभी लोग के लिए भी जो नॉर्मली अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं और अकाउंट में एक्सिस बैंक के जो आपका ऑनलाइन बैंकिंग उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक्सिस बैंक का दोस्तों जो ये आपको ऊपर ई मेल एड्रेस दिख रहा है, ये मैं आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप वहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ जाके कस्टमर आईडी अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली मोबाइल नंबर को जाके अपना डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद में आपके पास में दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने जो भी एटीएम कार्ड मिला हुआ है उसकी डिटेल्स भरनी है। आपको 16 अंकों का डिजिट जो डेबिट कार्ड नंबर है वो डाल देना है। एटीएम पिन जो आपको एक लिफाफे के अंदर मिला हुआ, काले काले लिफाफे के अंदर, उसके अंदर आपको एक 4 अंकों का एटीएम पिन मिल जाएगा, वो डाल दीजिएगा। एक्सपायरी डेट आपके एटीएम कार्ड पर ही आपको लिखी हुई मिल जाएगी। इन सब करने के बाद दोस्तों नीचे कंडीशन पे क्लिक करके प्रोसीड कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास में एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपसे पासवर्ड बोलेगा कि आप जो पासवर्ड है, ये दो स्टेप हमारे ग्रीन हो चुके हैं, ठीक है। पासवर्ड आप सेट कर देंगे, उसके बाद में आप ओटीपी के लिए यहाँ पे बोल देंगे। इसको ओटीपी डालने के बाद आप ओके कर देंगे, ठीक है। आपका जो फर्स्ट टाइम जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बनना है वो बन जाएगा। लॉगिन आईडी आपको यहाँ भी नहीं पता चलेगी दोस्तों, आप अपने जो डेबिट कार्ड है, जो आपका एटीएम है, उससे आप यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर डालेंगे और आपका जो एटीएम का पिन है 4 अंकों का वो नीचे डाल करके ओटीपी डाल के जो आपका ये कैप्चा है वो डाल के आप आगे बढ़ जाएंगे, प्रोसीड कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो ये डुअल स्टैंडर्ड सिक्योरिटी होता है तो इसलिए आपको ओटीपी पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद में दोस्तों प्रोसीड कर देंगे। पहली बार में ही आपका ये दोस्तों जो एक्सिस बैंक का अकाउंट है वो आपका यहाँ से जो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एक्सिस बैंक पोर्टल आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों इतनी सी बात थी। अगर आपको चैनल ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।